धन्यवाद। पंडित दीनदयाल शोध पीठ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे भाग्य से प्राप्त महामहिम राज्यपाल श्रीमान कलराज मिश्र जी, जिनको बचपन से देख करके प्रेरित होकर हम लोगों ने राष्ट्र कार्य को अंगीकृत किया है, मालवीय जी की इस बगिया के प्रति कुलपति श्रीमान डॉक्टर प्रोफेसर वीके शुक्ला जी, प्रोफेसर डीन प्रोफेसर आरपी पाठक जी, प्रोफेसर एसके मिश्रा जी, अग्रपंक्ति में बैठे हुए गुरुजन वृंद, प्रिय भैया बहनों, जिस देश का इतिहास धूमिल होता है उसके भविष्य का प्रकाशमान होना शायद संभव नहीं होता। साथ इसी उद्देश्य को लेकर इस देश में इतिहास के साथ अपघात किया गया, चाहे वो बख्तियार खिलजी द्वारा भारत के अनेक पुस्तकालयों को जलाने की क्रिया हो, या हजारों ऐसे हमारे सम्मान और इतिहास के प्रतीक मठ मंदिरों और मॉन्यूमेंट को तोड़ करके धूल धूसरित करने की प्रक्रिया हो, या बाद में अंग्रेजों के द्वारा इतिहास के उद्देश्य को हिस्ट्री में कन्वर्ट करके भारतीय स्वाभिमान को समाप्त करने का जो षड्यंत्र हो, जिसके कारण से विद्यालयीन शिक्षा में इतिहास में भारत के इतिहास को अपमानित करने का प्रयास किया गया और एक हद तक अंग्रेजी शिक्षा के व्यामोह में और विश्वविद्यालयीन स्कूली शिक्षा में पढ़ाए गए सिलेबस के अनुसार आज इतिहास एक उपेक्षित विषय के रूप में है। कारण है कि हम अपने इतिहास में हम नहीं हैं। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमारा वजूद नहीं दिखता उसमें, कोई शक आता है, कोई हूँ आता है, कोई जपनी जाता है, कोई ग्रीस आता है, हमको मार कर चला जाता है, कोई गोरी से आता है, कोई खिलजी आता है, कोई लोधी आता है और हमको अपमानित करता है, कोई मुगल आता है हमको अपमानित करता है, मीना बाजार लगाता है, हमारे ऊपर जजिया टैक्स लगाता है, हमको पद दलित अपमानित करता है और चला जाता है, कोई अंग्रेज और वायसराय आता है और हमको चारों तरफ से पंगु बनाकर बंधक बनाकर हमारी मानसिक स्वतंत्रता को का भी हरण करता है, हमारे पारिवारिक व्यवस्था, हमारी सामाजिक व्यवस्था, हमारे राष्ट्रीय चिंतन को समाप्त करता है। लेकिन इस देश का सौभाग्य है कि इस देश में इंस्टीट्यूशन के पैरलर भी इंस्टीट्यूशन चलते हैं और दादी के कहानियों में, लोक परंपराओं में, ब्राह्मणों के कंठ में, श्रोत परंपरा में, वाचिक परंपरा में हमारा इतिहास एक पैरलर चलता रहा, जिसका परिणाम है कि आज भी हम अपने वजूद को लेकर जीवित हैं और स्वाभिमान से जिंदा हैं। अंग्रेजों को अपने को श्रेष्ठ साबित करना था, उन्होंने आकर के कुछ नॉर्म्स तय किए, कुछ डिस्कोर्स बदले। पहले तो उन्होंने कहा कि यह भारत तो सांप सपेरों का देश है, गंवारों का देश है, वनवासियों का देश है, जादू टोना का देश है, अंधविश्वास का देश है। लेकिन जब उनके सामने वेद वाङ्मय आया, पुराण आए, अखंड अनेक ब्राह्मण ग्रंथ आए, उपनिषदों की श्रृंखला आई और व्याकरण, नाटक, आख्यायिका, गीत, वाद्य यंत्र, स्प्रिंट पेंट, इस प्रकार के लोक परंपरा संस्कृति में जो वो उत्तंग शिखर का उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा तो गंवारों का काम नहीं हो सकता। तो कहीं भीम बेटका का चित्र, तो कहीं मोहनजोदड़ो हड़प्पा में पाए हुए सारे एंटीक्विटी को जब देखने के बाद लगा कि ये तो गंवारों का नहीं हो सकता, ये तो बर्बरों का नहीं हो सकता, ये तो मूर्खों का नहीं हो सकता, तो ये कौन थे? तो उन्होंने कहा कि ये आर्य थे, वो बाहर से आए थे, यहाँ के नहीं थे, क्योंकि यहाँ के रहेंगे तो फिर यहाँ का स्वाभिमान बढ़ जाएगा,
इसीलिए जो अच्छे लोग हैं यहाँ, जिन्होंने कुछ ठीक किया है, जिन्होंने वेद को लिखा है, पुराण को लिखा है, ब्राह्मण ग्रंथ लिखा है, निरुक्तों की रचना की है, व्याकरण बनाया है, छंद बनाया है, ये यहाँ का नहीं थे, कोई बाहर से आए हुए थे। उनकी लंबी नाक थी, वो गोरे और लंबे थे, और वो बर्बर थे, जैसे हम हैं वैसे वो भी थे। और उस व्यामोह में पढ़कर हमारे देश के कुछ संभ्रांत गोरे और लंबे नाक वाले अंग्रेजों को अपना मौसेरा भाई मान लिए, और चोर चोर मौसेरा भाई के उस सत्र के आधार पर भारत के इतिहास को बिगाड़ने का प्रयास किया गया। और आज भी स्कूली व्यवस्था में आर्य बाहर से आए थे, यह पढ़ाने के लिए हम मजबूर हैं, हमारे शिक्षक मजबूर हैं, लेकिन यह मजबूरी समाप्त हो रही है। अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना और बदलते हुए मौसम के कारण से अब यह टर्म बदल रहा है। अब ये कहना बड़े गर्व से है कि दुनिया में हमने किड़ंतो विश्वमार्यम के द्वारा दुनिया को आर्य बनाया है, दुनिया को श्रेष्ठ बनाया है। आर्य कोई रेस नहीं है, आर्य कोई जाति नहीं है, आर्य एक सम्मान सूचक शब्द है जो केवल भारतीयों को प्राप्त है और दुनिया को बनाने के लिए दुनिया में गए। दूसरा, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि सरस्वती नदी नहीं थी, सरस्वती नदी नहीं थी, वेदों का रचना नहीं हुआ, वेद तो गणरियों का गीत है। जिन्हें मैक्स मुलर ने वेदों को पढ़ा तो उसे आंखें फटी की फटी रह गई। लाया तो इसलिए था कि अंग्रेज हिंदी संस्कृत ग्रंथों में से बुराइयां निकाल निकाल कर इनको अपदस्त करेंगे, लेकिन उस धारा में बह गया और मैक्स मुलर मोक्ष मुलर हो गया। और उसको भी लगा कि भारत में उड़ते हुए कुछ पन्नों को इकट्ठा किया है, जो भारत की ज्ञान परंपरा है वह समुद्र के समान है और विश्व की ज्ञान परंपरा एक गड्ढे के समान भी नहीं है। अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना और विद्वानों के माध्यम से सरस्वती नदी का उद्घाटन हुआ। अब आज बद्री से लेकर के और प्रभासपट्टनम तक सारे सरस्वती के घाट और सरस्वती के नदियाँ केवल इतिहास के माध्यम से नहीं तो इसरो के माध्यम से, ONGC के माध्यम से, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से पूरा डिजायर्ट ओपन हो गया। कहाँ कहाँ कौन तीर्थ था, क्या क्या घटनाएं घटी। अब समस्या ये हो गई है कि जो पश्चात इतिहासकार और उनके मानस पुत्र के रूप में भारत में पैदा हुए साम्यवादी इतिहासकारों ने जब इसको नकारा कि ये बकवास है, सरस्वती नदी नहीं है, वेद नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं, मिथकीय एविडेंसेज है, पुराण कुछ नहीं है। अब उनको लगता है कि ईसा मसीह के 4200 वर्ष पहले का जो थियरी है वो कहाँ जाएगी, क्योंकि राती घाटी के खुदाई में तो 7200 वर्ष पीछे चले गए। गोरखपुर के पास, खल्लाबाद के पास, लहुरा देवा में उत्खनन हुआ, कल्टिवेटेड राइस मिला 8000 वर्ष पहले का। 8000 वर्ष पहले हमारे वहाँ एस्टेब्लिश एग्रीकल्चर था, खेती होती थी, धान पैदा किया जाता था। अब वो बैक फुट पर हैं और बैक फुट पर आने की स्थिति ये हो गई है कि अब मानसिक विकृति भी आ रही है। मैडमरो मिला था पर जी कही है 4 दिन पहले कि अशोक से प्रेरणा लेकर जो स्थिर ने राज्य का प्रत्याग किया था, इसे बुढ़ापा में हो जाता है हमारे वहाँ, लेकिन इस स्थिति में आ गए हैं। इसमें एक बहुत बड़ी समस्या जो उन्होंने पैदा किया, स्वतंत्रता के पहले भारत का इतिहास जितना डिस्टॉर्टेड था उससे 20 times ज़्यादा डिस्टॉर्शन स्वतंत्रता के बाद हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 14 अगस्त के रात में कहा था कि कल का सूरज नया इतिहास लेकर के आएगा। हमारे जैसे हजारों लोग सोच रहे थे कि वो नया इतिहासकार इतिहास भारत का होगा। जिसे भगनी निवेदिता ने कहा था कि भारत के स्वतंत्र होने के बाद पहला काम होना चाहिए कि भारत का इतिहास भारतीय चैतन्य के प्रकाश में भारतीयों के द्वारा लिखा जाना चाहिए और वही पढ़ाया जाना चाहिए। यह आशा बधी थी जिसको मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था कि भारत का इतिहास डिस्टॉर्टेड है। विवेकानंद ने कहा था कि भारत का इतिहास को जिस प्रकार अंग्रेजों तुम लोगों ने विकृत किए हो, हिंद महासागर के तलहटी के सारे कीचड़ तुम्हारे मुंह पर लपेट दिए जाए तभी वो कलंक छोपने वाला नहीं है। लगा कि वो नया इतिहास आएगा, लेकिन दुर्भाग्य से राज्य करने वाले राज्य करने लग गए और ली मेरिडन होटल में बैठ करके तरह तरह के श्वांग करने वाले लोगों को इतिहास लिखने को दे दिया गया और उन्होंने भारत के इतिहास के साथ आपघात किया। उन्होंने डिस्कोर्स बदल दिए, जो चर्चा होनी चाहिए वो चर्चा नहीं हुई। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सभ्यता कितनी उन्नत थी, ईंटे की शोलिंग थी, नहाने के घर थे, पानी निकलने की व्यवस्थाएं थी, कितना उन्नत सिविलाइजेशन था, उस पर चर्चा नहीं हुई। उस पर चर्चा हुई कि एक डांसिंग गर्ल मिल गई है वहाँ, एक ऐसा मुखौटा मिला है जो साधु संन्यासी है,
जो पृष्ठ है, मंदिर नहीं मिला, वेदी नहीं मिली, लेकिन मूर्ति मिल गई। उसको भा यूरोपियन दृष्टि से देखा गया, तो जो मूर्ति देखा कहा कि यह पृष्ठ है। जब मूर्ति को ध्यान से आप देखेंगे तो देखेंगे कि उसकी मूछें कंब की बढ़िया सेट की गई हैं, बढ़िया से सुंदर मूछें हैं, दाढ़ी भी कंब की गई है, बाल बड़े बड़े हैं पीछे तक हैं, और पट्टी बंधी हुई है, उस पर हीरे मोती लगे हुए हैं, और बूटेदार साल ओढ़ा हुआ है। ऐसा साधु तो हमारे वहाँ होता नहीं। टीवी वर्मा साहब कहते हैं कि वह कुरु राजकुमार है, और जो मोहनजो हड़प्पा का सिविलाइजेशन है वो महाभारत कालीन सिविलाइजेशन है, उससे जोड़कर उसको देखना चाहिए। आशीर्वाद के मुद्रा में जो पार्वती का चित्र है उसको कह दिया ये डांसिंग गर्ल है, जिसका जिसका मन डिस्कोर्स बदल दिया। उसी प्रकार की समस्या हमारे महापुरुषों के साथ भी आई। महात्मा गांधी जी के दुर्भाग्य से हत्या हो गई, और महात्मा गांधी जी के हत्या पर हत्या क्यों हुई इस पर चर्चा बंद कर दी गई। किसने की, उसकी जाति क्या है, वो रहता कहाँ है, खाता कहाँ है, किससे किससे दोस्ती है, उसको क्रैश किया गया। अगर महात्मा गांधी जी की हत्या क्यों हुई इस पर चर्चा हुई होती, इस पर डिस्कोर्स बदला होता, तो शायद दो और गांधी हत्याएं जो हुई, या दीनदयाल जी की हत्याएं हुई, या श्याम प्रसाद मुखर्जी की हत्याएं हुई, वो बहुत सारे हत्याओं से निजात मिल गया होता। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे व्यक्ति जो एक गरीब गांव में रहने वाले थे, आप सब जानते हैं दीनदयाल सोच पीठ का ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अभी सरकार, पिछले सरकार आने के बाद ही UGC के माध्यम से एक निर्णय लिया गया कि भारत के कोई भी विश्वविद्यालय ऐसा न बचे जहां पंडित दीनदयाल जी का पीठ न बने। हमको लगता है कि 70% विश्वविद्यालयों में पंडित दीनदयाल पीठ के माध्यम से भारतीय चित्त को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। दीनदयाल उपाध्याय जी गरीब परिवार के रहने वाले थे, ननिहाल में पालन पोषण हुआ, दुर्भाग्य से हमारे बगल में ही उनकी हत्या की गई। हत्या का कारण नहीं जाना गया, और यार्ड में गिरे हुए थे, और उनके हाथ में 5 रुपया का नोट पकड़ाया गया था, और 4 लोगों ने मिलकर निर्णय कर लिया कि ये है एंटी ट्रेन के एंटी साइड से उतर करके समोसा खरीदने जा रहे थे। माननीय कलराज दीनदयाल जी के ही पथ पर चलने वाले हैं। हमको लगता है कि 2500 वर्ष साथ साथ गलभैया लगाकर चलने वाले लोग हैं, वो ठीक से बताएंगे दीनदयाल जी खान पान में कितनी सावधानी बरतते थे। बाजार का टॉफी तक ही दीनदयाल जी कभी नहीं खाते थे। बिना विचार किए लोगों ने निर्णय ले लिया कि वो समोसा खरीदने 5 रुपये लेकर जा रहे थे। जिनका जीवन ही रेलवे के प्लेटफार्म और रेलवे के डिब्बे में बीता, उनके नाना, उनके मामा, उनके पिताजी, धन किया कि रेलवे स्टेशन पर ही बचपन गुजरा, उनको नहीं पता था कि रेलवे में किधर उतरना चाहिए, किधर चढ़ना चाहिए। अब आज भी मुगल सराय में समोसा खरीदना हो तो यार्ड में समोसा मिलता है क्या? इस प्रकार के गलत डिस्कोर्स बना करके और ऐसे महापुरुषों को अपने रास्ते से हटाने का उस समय के सरकारों ने जो पाप किया, लेकिन हमारी ये परंपरा है, हम लोग संघ के स्वयंसेवक हैं, हम शपथ लेते हैं तो कहते हैं जन्म का हम आजन्म पालन करेंगे, हम एक ही जीवन नहीं, हमको मोक्ष नहीं चाहिए, हम इस धरती पर जीवन भर आते रहे। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने भी ये कहा था कि मैं काशी से दूर मरना चाहता हूँ, कि मैं बार बार काशी आना चाहता हूँ इस धरती पर, और काशी और विश्व हिंदू विश्वविद्यालय की तरह से हजारों काम मैं करना चाहता हूँ। कोई भी महापुरुष मोक्ष के लिए पता नहीं काम करता है कि नहीं करता, लेकिन हम संघ के स्वयंसेवक नहीं करते। आज दीनदयाल जी लाखों करोड़ों की संख्या में भारत में विद्वान है, और दीनदयाल जी के मार्ग पर चलने वाला उनका एक शिष्य आज दुनिया के दरोगा की छाती पर बैठकर भारत माता की जय बोल रहा है। दीनदयाल जी को सामान्य व्यक्ति नहीं थे, बहुत प्रयास किया गया, और दीनदयाल जी जो पांजन्य में काम करते थे, राजधर्म में काम करते थे, भानु प्रताप मिश्र जी ने बहुत आग्रह किया उनसे, दीनदयाल जी कुछ लिखिए आप, वो लिखने को तैयार नहीं थे, वो जीते थे जीवन को। एक दिन एक परिवार के बाहर धूप में बैठे थे, एक बालक आया, बालक से कहे कि हमारा हमको पकड़ो, तो उस बच्चे ने उनको पकड़ लिया
कहा तो मेरा हाथ पकड़े हो, मुझे पकड़ो। तो बच्चे ने उनका मुंह पकड़ लिया, कहे कि मुझे मुंह नहीं, मुझे पकड़ो। तो बच्चे ने पूरे उनके शरीर को पकड़ लिया, कहा तू मेरा पीठ पकड़ा है, मुझे पकड़ो। बच्चा निराश होकर चला गया और थोड़ी देर के बाद आया और एक मुक्का उनके पीठ पर मारा। और दीनदयाल जी ने कहा मेरे बुजुर्ग आदमी को तुम मार रहे हो? कहा आपको थोड़ा मार रहा हूं, आपको पीठ को मार रहा हूं। खेल खेल में छोटे छोटे संशोकों और बालकों को वह चित्त के अवधारणा का कैसे दृष्टिपात कराते थे, कैसे एजुकेशन कराते थे, एजुकेट करते थे। मैं कौन हूं, मैं और हम में क्या अंतर है, यह मन की चित्त क्या है, यह चित्त की अवधारणा क्या है, इस चित्त के ऋग्वेद से क्या संबंध है, भारत की चित्त क्या है, राष्ट्र की भी चित्त होती है क्या, राष्ट्र के चैतन्य में राष्ट्र को देखा जा सकता है क्या, ये दीनदयाल जी के छोटे छोटे बातों से दिखाई देती। दीनदयाल जी गोरखपुर उतरे, उनको बांसी जाना था। अगर नौगढ़ और ट्रेन से जाते तो सुबह हो जाती, लेकिन बराबर दूरी थी इसलिए उसका बाजार में उतर गए। पांच लोग साथ में थे, कल्ला जी जानते हैं, परमात्मा पांडे जी खजड़ी बजाते थे, गीत बहुत अच्छे गाते थे। और दीनदयाल जी के साथ वो रास्ते में झंगटी गांव होते हुए और नदी पार करके बांसी सुबह चले जाएंगे, 16-18 किलोमीटर था, उतना पैदल चलना मुश्किल नहीं था। गर्मी का महीना था, वो जा रहे थे, रास्ते में प्यास लगी, एक घर के सामने रुके। घर के सामने रुक करके उन्होंने देखा तो एक कुआं था, और कुआं में एक ढकली लगी हुई थी बांस की, रस्सी लटक रहा था, लेकिन कोई पात्र नहीं था, पानी निकाला कैसे जाए। तब तक एक महिला जो बिना बिस्तर के ही जमीन पर ही अपने आंचल से अपने मुंह ढक करके और हाथ के सिरहाने लगाकर सोई थी, वो तुरंत जग गई। जग करके एक चरपाई में सोए हुए अपने पति को जगाया जो दिख नहीं रहा था, क्योंकि चरपाई इतनी ढीली थी कि उसके अंदर था वो, कोई बिस्तर नहीं था। उसको जगाया, वो उठा, मतलब अत्यंत गरीब परिवार था, उठा, कहा साहब क्या चाहिए? तो कहे कि लोटा दे दो या बाल्टी दे दो या गगरा दे दो, पानी पीना है। वो व्यक्ति अपने घर में गया और गगरा, लोहे गगरा हुआ करता था, लाल काले रंग का, वो काले रंग का लोहे गगरा लेकर के आया, गया पुआल लाया, राखी लाया, थोड़ा पानी निकाल कर गगरा को साफ करना शुरू किया। और तब तक उसको माँटता रहा, तब तक वो माता जी कहीं घर गांव में निकल गई, और तब तक उस गगरा को साफ करता रहा जब तक कि माता जी गाँव से निकल कर नहीं आई। जब वो आई तो उनके हाथ में एक डलिया था। दीनदयाल ने कहा कितना साफ करोगे, काला है, गोरा थोड़ा हो जाएगा, इसको साफ क्यों कर रहे, हो गया साफ, निकालो पानी, प्यास लगी है। तब तक वो माता जी चार गुड़ के डल्ली एक डलिया में लेकर आती हैं और कहती हैं कि पानी निकालो, मैं ला दी। दीनदयाल जी कहते हैं क्या है, क्यों लाने गई, किसी घर में गई, क्या लोग कहे होंगे, इस रात में 2 बजे आप किसी को जगाया होगा? तो माता जी कहती हैं बाबू हमको भगवान को मुँह दिखाना है, खाली पेट पियोगे तो पानी हक से लग जाएगा। दीनदयाल जी डायरी में लिखते हैं अपने कि भारत वहां निवास करता है। इस प्रकार भारत को, मन को जानने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जब एकात्मानव दर्शन की बात की, जब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात की, तो वह दिखता है। और उसके आधार पर आज भारत और उनके अनुयायी और उनके विचार पर चलने वाले लोग, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लोग, आज दुनिया के ऊपर अपने राष्ट्र को सर्वोपरि स्थापित करने में सक्षम हो रहे हैं। कहते हैं ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन के सामने आमने बैठे हुए हैं, पालिश करने वाला एक व्यक्ति आता है और आ करके सामने वाला बाबू से कहता है बाबू पालिश करा लो, सुबह से बोहनी नहीं हुई है। तो पालिश वाले अपना जूता निकालते हैं और कहते हैं ठीक है, पालिश से लगाना शुरू करता है, तब से कहते हैं कि पट्टा है क्या, महाराष्ट्र में कपड़े से साफ करते हैं, बाद में उसको रगड़ते हैं कस के। जब वो कहते हैं कि तुम्हारे पास पट्टा है क्या साफ करने का, साहब पट्टा तो नहीं है, कहने रन रन रन, वो बेचारा आज की बहनी नहीं हुई थी, गरीब आदमी, दीनदयाल जी सामने दर्पित हो जाते हैं, जिसका हृदय सर्वथा गरीबों के लिए आर्द्र। ऐसे दीनदयाल जी अपने अंगूछा का एक भाग फाड़ देते हैं, कहते हैं बेटा लो इससे पट्टा काम करो, साहब आप पालिश करा लो, हमारा चप्पल तो इस लायक नहीं है कि मुसाफिर मैं पालिश कराऊं, लेकिन आप साफ करा लो, उसकी बोहनी हो जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति के लिए मन में कैसे द्रवित
कहते हैं कि रेलवे स्टेशन के सामने एक माँ जिसके आस्तन सूख गए हैं भूखमरी के कारण से और उसके हाथ में पड़ा हुआ एक छोटा बच्चा जो लकड़ी के समान हो गया सूख करके कुपोषण से जिसके मुंह से रोने की भी आवाज़ नहीं आती उसको देख करके तुम्हारे मन में दर्द नहीं होता तो तुम मानव क्यों हो। मानव को देखकर मानव अगर द्रवित होता है तो उसको मानव होने का भान होना चाहिए उसको मानव होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो उसको मनुष्य से पशु से भी बदतर उसकी ज़िंदगी। इसलिए अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान अंतिम व्यक्ति तक सारी सुविधाओं का पहुंचना अंतिम व्यक्ति का खुशहाली यह दीनदयाल जी का अंत्योदय का विषय था। चिति एक विशेष विषय है हमारे जैसे लोग शायद नहीं समझ पाते उसको ये बड़े लोगों का विषय है। ऋग्वेदी की चित्त की अवधारणा आप सब उसमें अध्ययन कर रहे हैं ठीक जानते होंगे लेकिन मुझे जो बताया गया कि मन के अंतःकरण के चार विभाग होते हैं मन बुद्धि चित्त और अहंकार। मन अनियंत्रित है उसको नियंत्रित करने के लिए बुद्धि का प्रयोग किया जाता है और बुद्धि ये निर्णय करती है कि कितना बोलना कितना नहीं बोलना। मन तो कर रहा है बहुत बोलना लेकिन बुद्धि कर रही है कि कलराज जी बैठे हुए उनको बोलना है इसलिए कम बोलना। लेकिन अगर चित्त ठीक नहीं है हमारी श्रद्धा और कलराज जी के विषय में नहीं जानता तो वह चित्त भी निष्क्रिय होगी और वह आदेश नहीं देगी बुद्धि को कि तुमको कितना बोलना कितना नहीं बोलना। लेकिन हमारा चैतन्य भाई साहब से माननीय राज्यपाल जी से हमारे चित्त का तादाम में है कि मेरे लिए उनको सुनना अमृत पीने के समान है। इसीलिए चित्त कहती है बुद्धि से कि अब बस करो भाई साहब को सुनना है। ऐसे चित्त का जब तादाद में होता है तब वह चित्त व्यक्त होती है और जो व्यक्त होता है वह सत्य होता है और सत्य जब क्रिएटिव होता है तो वह धर्म होता है। इसलिए धर्म सत्य को रिप्रेजेंटेट करता है। जबकि सुनार भाई के यहाँ गहना खरीदने हम जाते हैं वो तौल के देता है हमारा मित्र है सब ठीक है लेकिन फिर भी धर्म कांटा पर भेजता है और कहता है अब इसका पक्का हो गया क्योंकि धर्म कांटा पर गया। जब धर्म उसको सपोर्ट करता है जो चित्त व्यक्त होती है तो वह धर्म होता है। दीनदयाल जी का कहना है कि जैसे मनुष्य के अंदर चित्त है जो एक दूसरे को समझता है जैसे माँ बेटे को चित्त को समझती है। आसाम में बैठा हुआ बेटे को बुखार आता है तो बनारस की माँ की नींद खुल जाती है क्योंकि माँ और बेटे का चित्त का तादाद में है। जब चौका में बैठा हुआ बेटा दाएं बाएं देखता है तो माँ नमक की डिबिया उसकी तरफ सरकाती है क्योंकि माँ जानती है कि नमक चाहिए। ऐसे माँ बेटे के जिस प्रकार के चित्त एकात्म है उसी प्रकार से भारत माता के प्रति चित्त के प्रति भी हमारी एकात्मता होनी चाहिए। और जिसकी चित्त की एकात्मता अपने माँ के पास साथ नहीं है भारत माता के साथ नहीं है राष्ट्र पुरुष के साथ नहीं है उसको अच्छा पुत्र नहीं माना जा सकता। इसीलिए भारत के चैतन्य के प्रकाश जिस चित्त की अवधारणा नहीं है जिसको चित्त का ज्ञान नहीं है वह भारत का इतिहास नहीं लिख सकता। दुर्भाग्य से इस देश का जो बड़ा इतिहास है जो अंग्रेजी फ्रेंच जर्मन में लिखा गया है वह भारत के बेटों के द्वारा नहीं लिखा गया है जिनका भारत के चित्त से कोई संबंध नहीं है उनके द्वारा लिखा गया है। इसीलिए भारत का इतिहास अपमानित है इतिहास में हम नहीं हैं। आशा है कि माननीय दीनदयाल जी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पीठ के माध्यम से उस चित्त की अवधारणा और अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान द्रवित हृदय करुणा के माध्यम से इस पीठ के द्वारा हम कुछ शिक्षा और अनुशीलन के माध्यम से पंडित मदन मोहन मालवीय की इस बगिया का एक बहुत बड़ा उपादेयता के रूप में हम पंडित दीनदयाल जी के विचारों को संप्रेषित करने में सक्षम होंगे। मैं इतनी ही बात करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।